हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स एंड एएनएम का आपका एग्ज़ाम 31 जुलाई को होने वाला है। आपके पास अब टोटल 13 डेज बचे हैं, 13 दिन का समय बचा है आपका प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए। तो आइए दोस्तों, आज हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं सर्जिकल नर्सिंग का। लास्ट 4 रिवीजन में मैंने आपको एक एक टॉपिक का रिवीजन करवाया है। सर्जिकल नर्सिंग से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस का सेट दिया है मैंने। इन 25 क्वेश्चंस को आपको 12 मिनट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप क्या करिएगा, आप एक पेन और पेपर ले लीजिएगा और सारे आंसर 1 to 25 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हर क्वेश्चन के आगे सिर्फ उसका ऑप्शन आपका आंसर लिख लीजिएगा कि फर्स्ट का ए आपको लग रहा है, सेकंड का बी, थर्ड का सी, कौन सा लग रहा है, इस हिसाब से कर लीजिएगा। तो 25 क्वेश्चन जैसे आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है, मैं आपको आंसर की अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आपका इसका टाइम बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट्स रहेंगे, तो आपके पास समय की भी एक सीमा है। आपको अनलिमिटेड समय नहीं है, क्योंकि हम घर में पढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा समय रहता है। हम क्वेश्चंस लगाते हैं, हमारे बनते भी जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा अच्छे से चल रहा है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समय का भी ध्यान रखना है। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस 100 है और समय 120 मिनट है, मतलब अराउंड 1 मिनट का समय है, क्योंकि 20 मिनट तो आपके दूसरे कार्य में चले जाते हैं, चेक करने में, फिर लॉगिन वगैरह इस चीज़ में चले जाते हैं। तो आपके पास एक मिनट, मिनिमम 1 मिनट का समय है। तो यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस दिए हैं दोस्तों और आपको 12 मिनट का समय दिया है, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन लगाते चलिएगा, जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है आप कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे आंसर कमेंट में शेयर कर दूंगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर पूरे डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चंस के साथ। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन आपका जारी रखें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा बस एक ही मोटो है कि आपके प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे करवा दें। तो दोस्तों अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे की सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। एंड ऑल दी बेस्ट।
तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशन। यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया तो कमेंट करिए, मैं आपसे आंसर की शेयर कर दूंगा।